रीवा जिले में भी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत मौके पर ही समस्याओं के निराकरण का प्रयास। सभी शासकीय कार्यालयों में शुरू हुआ शिविर, पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया कई मामलों का निराकरण। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो चुका है। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के लिए कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत सहित सभी शासकीय ऑफिसों एवं पुलिस विभाग में भी शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि जिन कार्यालयों में शिविर लगेंगे उनके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। देखा जा रहा है कि सर्वाधिक जमीन संबंधी मामले एवं पुलिस से संबंधित मामलों को निराकरण करने का तेजी से प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनावी वर्ष में अभियान को सफल बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से जुट चुका है। प्रदेश स्तर पर ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि आवेदन चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उनका निराकरण कर अभियान के दौरान त्वरित रूप से किया जाए। साथ ही प्रतिदिन जितने आवेदनों का निराकरण होगा उसे पोर्टल में भी दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आज रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम स्थित CSP कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लंबित मामलों को मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया गया। इस दौरान शहर के कई थाने के प्रभारी सहित नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी भी शिविर में मौजूद रहीं और लोगों की समस्याओं को सुना। शिविर के दौरान देखा गया कि पुलिस विभाग में कई ऐसे मामले हैं जो वर्षों से लंबित हैं, जिन्हें गंभीरता से सुनते हुए नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया। वहीं इस दौरान राजस्व के भी प्रकरण सामने आए। प्रस्तुत है CSP शिवाली चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। जी हाँ, इसमें मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आज शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अनुभाग स्तर पर जो भी CM हेल्पलाइन में शिकायतें लंबित हैं या अन्य जनता संबंधी जो भी शिकायतें हैं उनका निराकरण किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो शिकायतकर्ता है काफ़ी टाइम से उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाया रहा है, उनको आज सुना जा रहा है और उनके 100% निराकरण हेतु आज प्रयास किया जा रहा है। देखा जा रहा है मैम, कई थाना प्रभारी नदारद भी हैं, तो कैसे पूरे लोगों को न्याय मिलेगा, सुनवाई होगी इसमें? ये चूंकि आज का नहीं है, आज कल दोनों दिन रहेगा, तो इसमें शिफ्ट वाइज बुलाया गया है थाना प्रभारियों को और जो जो शिकायतकर्ता आ रहे हैं उनके संबंधित थाना प्रभारियों को बुला लिया गया है। अभी हाल ही में हम निराकरण भी कर रहे हैं और इन्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राजस्व के मामले आ रहे हैं, उसको कैसे? राजस्व के भी हाँ काफ़ी सारे मामले हैं यहाँ पर, कुछ जमीनी विवाद संबंधी भी मामले हैं जिनको संबंधित SDM तहसीलदार और अगर कोर्ट में प्रकरण लंबित है उसके संबंध में शिकायतकर्ता को बताया जा रहा है और संबंधित विभाग से भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा।